एवरीवन, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। आज हम राइड करने वाले हैं एडवेंचर, इसका टेस्ट राइड करेंगे। इससे पहले हमने इस क्रैम्बलर और रोस्टर का वीडियो डाल दिया है, सो अगर आपने देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसका माइलेज कितना नहीं निकाला? चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा इसका एग्जॉस्ट नोट है, कैसा साउंड आ रहा है। वाओ, पंपी है राइट, आप सुन सकते हैं कितनी बेहतरीन आवाज आ रही है। चलिए इसको लेके चलते हैं, देखते हैं बाइक कैसी फील देती है। वाह, बैठने में मैं आपको जो पहला एक्सप्रेशन है वो बताऊं कि पहला इम्प्रेशन मेरा कैसा है इस बाइक को लेके। बहुत ही शानदार बाइक है ये, बैठने में आपको एकदम राजा वाली फील आएगी, एकदम सीटिंग पोजीशन ऐसा है बेहतरीन, लॉन्ग ड्राइव के लिए बना हुआ है। ये क्रूजिंग नहीं है, ये ऑफ रोड एडवेंचर टाइप की बाइक है, जैसे कि आपको हिमालयन में सीटिंग पोजिशन मिल जाएगी वैसी ही है। इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, तो पिकअप और ब्रेकिंग तो आप पूछे मत, बहुत ही शानदार। और सामने बड़ा कंसोल दिखता है आपको, ढेर सारी रीडिंग्स आपके थंब पे है, जो भी आप चाहे आप नेविगेट करके देख सकते हैं। छोटा सा इसमें आपको टर्न बाय टर्न इंडिकेटर मिलता है, जो कि नेविगेशन में आपको बहुत मदद करेगा। बॉडी बहुत बढ़िया बनाई है इसकी, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे से डैश प्लेट दिया है, इंजन प्रोटेक्शन है, और टैंक के अराउंड पूरा प्रोटेक्शन दिया है इन्होंने। पीछे अगर इस सारी एसेसरीज अवेलेबल हैं तो एक कंप्लीट टूरिंग बाइक इसको मैं कह सकता हूँ। 15.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, सो वो भी एक अच्छा चीज़ रहेगा अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है। फिलहाल ये बाइक बहुत हल्की लगती है, जितने जैसे कि हिमालयन अराउंड 1992 की है बाइक, बट वो बाइक पता चलती कि उतनी वेट है, क्योंकि उसको आप मूव करो टर्न करो तो आपको समझ में आता है। ये इस बाइक के साथ वैसा नहीं है, ये बाइक 188 केजीज की है, बट इतना ये वेट इसका समझ नहीं आता। लेकिन इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो देख बैठने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, और बाइक चलाने में बहुत मक्खन है। रिफाइनमेंट के मामले में ये होंडा से थोड़ा सा कम है, बट उसमें मैं कोई प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ फिलहाल। अगर आप देखेंगे इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है बड़ी बाइक होने के हिसाब से, और ये बड़ी बाइक है, आप बैठेंगे तो आपको लगेगा ये आप एक बड़ी मस्कुलिन बाइक पे बैठे हैं। ऐसी छोटी बाइक जैसे आपको एडवेंचरस आपको सॉरी रोडस्टर या स्क्रैम्बलर पे जैसा वो फील नहीं मिलेगा इस पर। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट इन अ डिफरेंट सेगमेंट। पिकअप देखिए आप, बहुत सही है, और इसका जो कंट्रोल है आपके पास बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चला के ये बाइक, डिफरेंट कलर ऑप्शन से मिल जाता है ये, और जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की मैं थोड़ी बात कर लूं तो इंजन आपको मालूम ही है, मैंने बोला कि सेम कैपेसिटी है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो आपको पैरों में हीटिंग या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 334 cc का इंजन है, पावर रेशियो फिगर सब सेम है इसका, 29 Nm का पावर देता है, और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसमें। वेट इसका 188 kg है, और टैंक कैपेसिटी 15.5 की है, तो बहुत अच्छी है, शानदार है इस सेगमेंट में। 815 mm का सीटिंग हाइट है, तो जो पोस्चर है सीटिंग का वो बहुत बहुत अच्छा है यार। अगर मैंने होंडा नहीं लिया होता तो शायद ये वो बाइक थी जिसके बारे में मैं सोचता। सो इसकी जो एवरेज है या माइलेज बोले तो 35 किलोमीटर्स का पर लीटर पे दे देता है ये, तो वो भी कोई ख़राब नहीं है, इस बाइक के लिए बहुत अच्छा है। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन देता है गियरबॉक्स। अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो डबल क्रेडल है, और इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक फोक कॉइल स्प्रिंग है, और रियर सस्पेंशन मोनो शॉक अब्जॉर्बर्स लगे हैं विद कॉइल स्प्रिंग। एंड ब्रेकिंग इसकी बहुत जानदार है, ये ट्रायल बैक है तो बाइक है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी एक झंझनाहट की आवाज़ आ रही है ब्रेकिंग में, या फिर ओवरऑल बाइक चल रही है माइट बी इशू हो सकता है, क्योंकि ट्रायल बाइक्स के साथ प्रॉब्लम होता है। इसमें फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको डिस्क मिल जाएगा विद फ्लोटिंग कैलिपर एंड ABS। फ्रंट डिस्क साइज़ है 320 का, रियर है 240 का,
व्हील्स और टायर्स की बात करूँ अगर मैं, तो 90x90 का 21 इंच का फ्रंट कब मिलेगा आपको, और रियर में 130x80 17 इंच का। तो जब आप बैठोगे, आगे का टायर बड़े हैं पीछे के छोटे, तो आप बैठोगे तो आपको एक बहुत बढ़िया लगेगा यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बाइक चला के, बाइक चलाने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है। ये बाइक आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, बड़ी बाइक होने के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है मुझे बाइक। अगर आप मैन्युवरिटी देखिए, आप इजीली आप मैन्युवर भी कर सकते हैं। अगर आपको सिटी डेली कम्यूट प्लस लॉन्ग टूरिंग के पर्पज़ है, या लॉन्ग टूरिंग जैसा आप हर वीकेंड में बाहर जा रहे हैं, या फिर आपका ऐसा मिक्स टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट है, तो ये बाइक आप देख सकते हैं। मुझे तो ये बाइक बहुत अच्छी लगी। आपको ये बाइक कैसी लगी, आप नियरेस्ट अपने शोरूम में जाके चेक करिए, फिर बताइए मुझे कि आपको ये बाइक कैसी लगी, और अगर इन तीनों बाइक्स में से कुछ लेना है तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।